दोस्तों, आप सभी को और एक बार हमारा चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे रोटरी कंप्रेसर के बारे में, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या चीज़ है, वो आज मैं आप लोगों को दिखाएंगे। उसको काट कर हमने अभी ये कंप्रेसर को काट दिया गया है। अभी इसका अंदर क्या क्या चीज़ है, ये कंप्रेसर कैसे काम करता है, वो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाएंगे। ये इसका स्टेटर है, ये जो इसका रोटर है, ये जो पोर्शन है कंप्रेसर से जो लुब्रिकेशन के लिए ऑयल सक्शन यहाँ से होता है, ये जो अक्यूमुलेटर से जो सक्शन पाइप जो आ रहा है वो डायरेक्ट इसमें लग जाता है। ये जो हमारा कंप्रेसर के ऊपर जो अक्यूमुलेटर है को हमने आधा काट दिया है, वो जो सक्शन गैस जो आ रहे हैं यहाँ पे आएगा। इधर स्ट्रेनर है, फिर इधर एक पार्टीशन भी है। जो भी गैस आएगा सबसे पहले ये चैम्बर ए पोर्शन में आएगा, उसके बाद इस साइडों में से होल है, इस साइड का थ्रू ये एक्यूमुलेटर चैम्बर में आ जाता है। उसके बाद वो गैस वेपर बनने के बाद जो सक्शन पाइप जो है इसका थ्रू कंप्रेसर का हेड में आ जाता है। अभी हम इसको खोल के दिखा देते हैं इसका अंदर क्या है। ये जो कंप्रेसर का रोटर है, इसका शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, ये जो है पिस्टन है कंप्रेसर का, गैस को कंप्रेस करता है, इसको हम लोग रोलिंग पिस्टन कहते हैं। ये जो है ब्लेड है, ये जो ब्लेड सेक्शन और डिस्चार्ज, ये जो गैस चैम्बर है सेक्शन और डिस्चार्ज को सेपरेट करते हैं। ये एरिया जो है सेक्शन चैम्बर है, जो पिस्टन यहाँ पर रहता है ऐसे गैस को सेपरेट कर देते हैं। ये जो सेक्शन जो कंप्रेस जो ऑपरेटर से आया हुआ है यहाँ पे एंट्री होता है, यहाँ पे सेक्शन, ये सेक्शन चैम्बर है, इसके बाद गैस को कंप्रेस करके ये डिस्चार्ज चैम्बर में आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं उधर होल है, उसके नीचे वॉल प्लेट है, वो मैं आप लोगों को दिखाएंगे अभी। ये जो गैस कंप्रेसर होके डिस्चार्ज वाल्व का थ्रू यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं बड़ा होल है,
इसमें भी दो बड़ा होल है। ये जो गैस यहाँ पे आने के बाद ये चैम्बर का थ्रू ये होल पे आ जाता है, ये इसलिए लगाया जाता है गैस को बाईपास होने से बचाने के लिए। अभी इसको नट का थ्रू इसको होल्ड किया, ये जो होल है नीचे गैस कंप्रेसर होके यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इधर भी होल है, इधर भी होल है, ये वापस में मैचिंग कर देंगे इसको। अब लोग देख सकते हैं ये चैम्बर पे आ गया, ये दो बड़ा होल सेम इधर भी है, यहाँ पे भी है, ये गैस यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से फिर इसका अंदर से गैस बाहर निकल जाता है, डिस्चार्ज गैस स्टेटर जो है इसमें लग जाता है, ये डिस्चार्ज गैस ऊपर का तरफ आ जाता है यहाँ से। ये जो डिस्चार्ज पोर्शन जो है ऊपर है, यहाँ से फिर गैस कंडेंसर में चला जाता है। ये रोटरी कंप्रेसर हमेशा ऊपर का पोर्शन वो कंप्रेसर का साइड दूसरे कंप्रेसर में से ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए कि इसका डिस्चार्ज पोर्शन जो है ये क्रैंकेज में ओपन हो जाता है, इसका वजह से ये कंप्रेसर हमेशा ज़्यादा गर्म रहता है दूसरे कंप्रेसर से। इसका जो कंप्लेंट भी ज़्यादातर इसलिए आता है ये ओवरलोड ट्रिपिंग, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने से ये ओवरलोड ट्रिपिंग से ये कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। ये इसका ओवरलोड है, इसका ओवरलोड भी ऊपर का तरफ है जो कंटिन्यूस जो गर्म जो हॉट गैस जो है इसमें लगता है, इसका वजह से ये रोटरी कंप्रेसर वो जल्दी ख़राब होने का